पंचायतों के लेवल से जो बताई गई थी, तो सर उस पर बात हो रही थी कि कहीं नेट की उपलब्धता नहीं थी सर, कहीं पंचायत आयोगों का मानदेय नहीं हुआ था, तो सर उस बारे में। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान ने पंचायत के प्रधान सचिव और पंचायत सहायक की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की है, उसमें अब तक जो 29,943 प्रतिभागियों को हमने प्रशिक्षित किया है, उसमें भी यही बात आई कि अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बागपत, बलरामपुर, बलिया, बांदा, बाराबंकी और इसमें अधिकतर पंचायतों में पंचायत सहायकों के द्वारा यही समस्या अवगत कराई गई कि या तो नेट की उपलब्धता नहीं है, पंचायत भवन की स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं कहीं तो पंचायत भवन है ही नहीं, जर्जर है, और प्रिंटर, नेट, बिजली की समस्या, तो ये अलार्मिंग चीज है। ऐसा भी ऐसा की शामिल कहा इसकी पुष्टि इस प्रशिक्षण से, ऑनलाइन प्रशिक्षण से हो रही है। इन सारे डीपीआरओस को आपकी तरफ से सर हम लोग ने पत्र भी भेज चुके हैं, ग्राम पंचायत उसमें इंगित करके भेजी गई है कि किस ग्राम पंचायत की ये समस्या रिपोर्ट की गई है, पंचायत सचिवालय तब तक फंक्शन हो ही नहीं सकता जब तक ये सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो ये डीपीआरओ को देखने की आवश्यकता है कि अगर हम सचिवालय को फंक्शन नहीं करेंगे तो वैसे ही घटनाएं की पुनरावृत्ति होती रहेगी जैसे अभी कानपुर देहात में होती चुकी है। ये सारी समस्याएं आपको डीपीआरओ साहिबान आपको जनपद स्तर से इसका अनुश्रवण करना बहुत आवश्यक है, तो इस बात को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है कि सचिवालय हर तरह से फंक्शनल हो जाए और पंचायत सहायक के मानदेय की भी समस्या जो है कई जनपदों में बताई गई, क्योंकि प्रधानगढ़ वीसी में जुड़े हुए हैं तो सभी प्रधानगढ़ों से ये और सचिव गढ़ों से ये कहना है कि पंचायत सहायक अगर रेगुलर काम कर रहा है, ऑफिस में अपना समय दे रहा है, तो आप उसका मानदेय नहीं रोक सकते, उसके मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराइए। और कई कई जगह 8-8 महीने से पंचायत सहायक का मानदेय नहीं मिला, तो ये सारी चीजें। इसमें एक ऑर्डर अभी हो गया है, अभी एक ऑर्डर किया है कि एडीओ पंचायत का वेतन तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि वहाँ पे पंचायत सहायकों का वो मानदेय ना दे दिया जाए। ये अभी सर ने जैसा बताया कि एडीओ का वेतन जो है तब तक आरित नहीं होगा जब तक पंचायत सहायकों के मानदेय का भुगतान ना हो जाए। हम जरा पूछिए किसी डीपीआरओ से कि इसको पकड़ेंगे कैसे, किसका हो गया किसका नहीं हो गया, तब सब पकड़ने लगेंगे। बताइए आजमगढ़ बताए कैसे पकड़ेंगे भुगतान हुआ कि नहीं। जी सर, ताबकपुर में धरवा गांव है सर, वहां पर जमीन पंचायत भवन का उपलब्ध नहीं है और जमीन उपलब्ध नहीं है सर, तहसील से भी प्रमाण पत्र मिला हुआ है और जमीन क्रय करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नहीं बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि पंचायत सहायक को मानदेय नहीं मिला है, इसका कैसे आप चेक करेंगे? ये पलनी के करमुद्दीनपुर के पंचायत सहायक जब तक काम नहीं कर रहे थे उसको भुगतान नहीं किया गया था, अब वो काम कर रहे हैं इसलिए अब उसका भुगतान आरंभ हो गया है। धनी सराय का कुछ उनके अनुबंध ही नहीं हुआ था विवाद के कारण उसके मार्कशीट में, और इसके वजह से वो नहीं हो पाया था और शेष सभी जगह भुगतान हो रहा है। अनूरपुर सराय में प्रधान का मानदेय पंचायत सहायक का मानदेय फरवरी तक करा दिया गया है। सर ये ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहे थे सर, उसमें कई समस्याएं थे पंचायत सहायकों के लेवल से जो बताई गई थी, तो सर उस पर बात हो रही थी कि कहीं नेट की उपलब्धता नहीं थी सर, कहीं पंचायत सहायकों का मानदेय नहीं हुआ था, तो सर उस बारे में बात। अरे ठीक है।